आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंद है, दूसरे थैले में 4 सफेद और 5 लाल गेंद है, उनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है एवं उससे 2 गेंद निकाली जाती है। गेंदों के भिन्न रंग के होने की प्रायिकता निकालें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास यदि 2 थैले हैं तो हम यहाँ पे 2 थैले यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा पहला थैला है तथा यह हमारा दूसरा थैला है। पहले थैले में हमारे पास 5 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद को हम W से वाइट दर्शाते हैं तथा काली गेंद 3 है तो ब्लैक को हम B से दर्शाएं। यहाँ पे 4 सफ़ेद है, 4 वाइट हो गया तथा 5 लाल गेंद है तो इसे हम R से रेड दर्शा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि उनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना गया। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे और यहाँ पे बोला गया कि गेंदों के भिन्न रंगों होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, गेंदों के भिन्न रंग के होने की प्रायिकता, यहाँ इसे हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो एक थैले को चुना जाएगा, उसके बाद उसमें से 2 गेंद निकाली जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास 2 स्थितियाँ आएंगी। पहली स्थिति कि हम पहले थैले को चुने तथा दूसरी स्थिति दूसरे थैले को चुने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले थैले का चयन या दूसरे थैले का चयन, दूसरे थैले का चयन। दोस्तों इन्हीं दोनों चयनों पर हमारा प्रश्न निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम थैलों का चुनाव कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पहले थैले का चुनाव करें तो हमारे पास कुल थैलों की संख्या कितनी है, 2, तथा पहले थैले की संख्या तो एक ही है तो इसे हम लिखेंगे 1। तो दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थिति पहले थैले के चुनने की 1 है तथा कुल परिस्थितियां 2 है। तथा यदि हम पहले थैले का चुनाव करें तो इसके अंदर हमारे पास कितने गेंदे हैं, 8 गेंदे हैं, तो उसके लिए कुल परिस्थितियां उसमें से 2 गेंदे चुनने की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 में से 2 गेंदे चुनने के तरीके 8×2 हो जाएंगे। तथा दोस्तों इसमें 2 प्रकार के रंगों के गेंद हैं, सफ़ेद व काले, तो भिन्न रंगों के गेंद होने के लिए हमारे पास पहले तो 1 गेंद होना चाहिए सफ़ेद का, तो 5 में से 1 गेंद चुनने की प्रायिकता, सॉरी 5 में से 1 गेंद चुनने के तरीके 5×1। उसी प्रकार काले गेंदों में 3 में से 1 चुनने के तरीके 3×1 हो जाएंगे। यह हमारे पहले थैले के लिए है। तथा यदि हमने दूसरे थैले का चुनाव किया तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 ही होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही थैला है, जो दूसरा थैला एक ही है तथा कुल थैले 2 हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चूंकि कुल 9 गेंदे हैं दूसरे थैले में, तो 9 गेंदों में से 2 चुनने के तरीके 9×2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे 4 सफ़ेद गेंदे हैं तो 4 में से 1 चुनने के तरीके 4×1, व 5 लाल गेंदे हैं तो 5 में से 1 चुनने के तरीके 5×1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रंगों के ही हमें चुनाव करने हैं। दोस्तों यदि हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं 1/2 हमारा यहाँ से बाहर हो सकता है, हमने बाहर कर दिया पूरा में से। यहाँ से 5×1 बराबर हमें क्या मिलेगा, 5, गुणित 3×1 बराबर 3 मिलेगा। 8×2 है तो यह हो जाएगा 8, गुणित 7, गुणित 6 का फैक्टोरियल बटे में 6 का फैक्टोरियल गुणित 2, धन
चार गुणित पाँच बटे नौ सी दो के लिए नौ गुणित आठ गुणित सात फैक्टोरियल बटे यहाँ से हो जाएगा हमारे पास नौ से दो क्या तो सात फैक्टोरियल गुणित दो, दो का फैक्टोरियल दो आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों छः फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, यहाँ भी सात फैक्टोरियल कट गया, दो से हमने भाग दिया तो ये हो जाएगा दो चौक आठ, यहाँ से भी हमारे पास दो चौक आठ हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर नीचे से हमारे पास, ऊपर से हमारे पास अंश से पाँच निकल सकता है तथा नीचे हमारे पास चार है तो चार को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऊपर में बचेगा तीन बटे यहाँ नीचे में हमारे पास है सात, धन ऊपर में बचेगा यहाँ चार तथा नीचे में हमारे पास है नौ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास यह मान ज्ञात हो रहे हैं, इसे हम हल करेंगे। हमें सबसे पहले तो मिलेगा पाँच बटे चार दूनी आठ और यहाँ हो जाएगा नौ सत्ते तिरसठ, यहाँ हमने तीर गुणा किया, तीन या सत्ताईस, धन सात चौक अट्ठाईस। तो यहाँ से दोस्तों हम हल करें, हमें मिलेगा पाँच गुणित सत्ताईस और अट्ठाईस मिलके मिलेगा हमें पचपन बटे यहाँ से आठ गुणित तिरसठ हमारे पास है। यदि हम इसका आपस में गुणा करें तो पचपन गुणित पाँच दो सौ पचहत्तर दे देगा तथा आठ गुणित तिरसठ हमें दे देगा पाँच सौ चार। तो दोस्तों भिन्न भिन्न गिनती प्राप्त हों इसके लिए प्रायिकता हमें प्राप्त हो गई 275 बटे 504। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।